Hey guys, welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ. सारे मैंने किचन के लिए लिए हैं अपने, और इससे पहले दो हॉल आए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं पार्ट वन, पार्ट टू और ये पार्ट थ्री है, तो आपने वो दो हॉल नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए. उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैंने दिखाई है. एक इसमें मैंने पूरे ग्लास की चीजें दिखाई है, एक इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर दिखाया है, और ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने किचन के ऑर्गेनाइजिंग के लिए और ऐसे ही रैंडम से चीजें परचेस की है. बहुत ज्यादा आपको पसंद आने वाली है. सारी चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ. आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये हॉल. तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा. जो भी प्रोडक्ट्स आज मैं दिखाने वाली हूँ, उन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप एक एक लिंक मांगते हो तो एक एक लिंक देना आपको पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसी वजह से सारे प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है. और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. आप देख लेना इससे पहले कि जो भी वीडियोज है, दो वीडियो इसकी जो पार्ट वन पार्ट टू है, इतने सारे प्रोडक्ट कोई भी स्पॉन्सर नहीं करता है. तो इसी वजह से ये सारे प्रोडक्ट मैंने अपने पैसों से परचेस किए हैं, तो बिल्कुल भी गलत मत समझना. जो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वो मेरे अमेजोन एफिलिएट की लिंक होंगे, तो उस पर आप चेक करके इन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो. इससे क्या होगा कि एक ही प्रोडक्ट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अमेजोन पे. चलिए फिर सारी चीजें आपको जल्दी से दिखा देती हूँ. तो गाइज, ये मैंने अपने फ्रिज के लिए लिया है. ऐसे ही मेरे पास और चार बास्केट है, बट उसमें मुझे कंटेनर्स नहीं मिले हैं. ये कंटेनर्स आते हैं इसमें सेपरेट रखने के लिए. कुछ भी चीजें आप सेपरेट रख सकते हो इसमें, जैसे कि टोमेटो वगैरह है वो आप सेपरेट रख सकते हो. कुछ भी अगर आप लेते हो तो भिंडी या टोमेटो ये सेपरेट आप इसमें रख सकते हो, या दालें वाले भी आप इसमें रखना चाहते हो तो आप सेपरेट सेपरेट डाले होगे इसमें एक ही कंटेनर में रख सकते हो, और इस पे आप लीड लगा के रख सकते हो. तो इसी वजह से मैंने ये दो कंटेनर्स और मंगाए हैं. तो इसमें तीन आते हैं एक्चुअली. मैंने ये यूज करने के लिए निकाल लिए तो ये आगे थे दो, तो ये आपको दिखाने के लिए मैं लेके आई हूँ. ये जो है वो मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ, नीचे वाले सेक्शन में, जो वेजिटेबल वाला सेक्शन होता है उसमें मैं रखती हूँ, और इसमें वेजिटेबल स्टोर करके रखती हूँ अलग अलग वेजिटेबल, तो इसमें रखती हूँ तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है अपने फ्रिज के लिए ही. ये फ्रिज मैट्स है और फ्रिज कवर है, तो इस तरह से इसमें आपको मैट मिल जाते हैं, फ्रिज मैट और कवर भी मिल जाता है, फ्रिज कवर ऊपर से रखने के लिए. तो ये है थ्री मैट इसमें, और ये पता नहीं ये अलग से ही आ गया है इसमें, तो ये उस डिजाइन का नहीं है बट ये एक्स्ट्रा आ गया है इसमें. इससे आपके फ्रिज का ग्लास खराब नहीं होगा, और इसे आप वॉश भी कर सकते हो. अगर ये खराब भी हो गया, इस पे कुछ गिर भी गया, तो आप इसे वॉश भी कर सकते हो. ये पूरा कॉम्बो ही मुझे रिसीव हुआ है. उसके बाद ऊपर से डालने के लिए मैंने ये कवर लिया है फ्रिज के ऊपर से डालने के लिए, और आप देखो कितनी प्यारी डिजाइन है. कलर ब्लैक कलर है, कोई भी आपका फ्रिज का कलर है उस पे ये सूट होगा. मेरे फ्रिज का कलर ग्रे है, मेरे इस पे तो ये परफेक्ट मैच हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने ये लिया है. और इसके अंदर मुझे हैंडल भी रिसीव हुए है, दो हैंडल के लिए भी रिसीव हुए है, तो इसे आप हैंडल को भी लगा सकते हो, हैंडल भी आपका गंदा नहीं होगा. उसके बाद मैंने लिए है ये सिलिकॉन लीड. जिस भी चीज पे लीड नहीं है, तो कटोरी वटोरी में आप सारी लेफ्टओवर वगैरह निकालते हो तो उसमें आप ये ढक के रख सकते हो. जैसे आप तरबूज वगैरह काटते हो तो आधे तरबूज पे आप इसे ढक के रख सकते हो, तो ऐसी चीजों में आप इसे ढक के रख सकते हो. और यहाँ स्ट्रेचेबल है तो ये थोड़े से स्ट्रेच भी हो जाते हैं, बड़ा बर्तन भी हो तो उसमें ये लग जाएंगे इजीली. इस तरह से ये लीड का सेट आता है, सिलिकॉन लीड का, तो ये सिक्स का सेट आता है. ये मैंने लिया है, ये बहुत ही यूजफुल चीज है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके किचन में. उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट कंटेनर लिया है. ओपन करोगे तो इसमें आप टूथपिक वगैरह रख सकते हो. उसके बाद ये इसे इस तरह से करोगे, सौंफ सुपारी ये चीजें रख सकते हो, या ड्राई फ्रूट रख सकते हो, और इसे बस बंद कर दो इस तरह से, ज्यादा जगह भी नहीं लेगा. तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए लिया है. आप चाहो तो इसमें रंगोली भी रख सकते हो, क्योंकि मैं एक रंगोली के लिए भी मंगाने वाली हूँ. जो दो मंजिला वाला आता है वो मैं मंगाने वाली हूँ रंगोली के लिए. मतलब अलग अलग कलर की रंगोलियां इसमें रख दो, और मतलब इजीली आपको इसमें रंगोलियां मिल जाएंगी. मतलब आपको ज्यादा कलर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्यादा चीजें लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही कंटेनर में सारे कलर्स मिल जाएंगे. बाद मैंने ये बहुत ही अच्छी चीज ली है. जैसे कि आप पोटैटो चिप्स बनाते हो तो आपके हाथ कटने का डर रहता है, तो इसे आप पोटैटो फिक्स कर दो, और उसके बाद इस तरह से आप पोटैटो चिप्स बना सकते हो. उसके बाद आप खीरे को काट सकते हो. बहुत सारी चीजें इसमें बन जाएगी. इसके अंदर ये फाइव ब्लेड्स मिल जाते हैं. इसमें अलग अलग चीजें आप बना सकते हो, जैसे कि ये देखो चिप्स बना सकते हो, ये पोटैटो चीज बना सकते हो. उसके बाद ये पीलर भी दिया हुआ है इसमें, और ये देखो ये पूरी बास्केट है. इस तरह से ये बास्केट होती है, इसे इस तरह से लगा दो. उसके बाद आपको जो भी बनाना है वो आप बना सकते हो. इसमें पानी डाल दो, और बस पानी निकालना है तो आप इस तरह से पानी निकाल भी सकते हो इसमें से. तो ये बहुत ही यूजफुल चीज लगी मुझे,
बहुत काम की चीज है, किचन में आपके होनी ही चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये कैसरोल लिया है, इसका एक कैसरोल मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने उसको सेट करने के लिए ये लिया है, जैसे कि वो सब्जी के लिए हो जाएगा, ये रोटी के लिए हो जाएगा। तो ये बड़ा लिया है मैंने रोटी के लिए अभी, तो वो थोड़ा छोटा था इससे, अभी ये बड़ा ले लिया है। तो ये है और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद ये हैंडल भी मिल जाता है, इस तरह से आप इसे पकड़ भी सकते हो। उसके बाद मैंने ये सिलिकॉन का स्ट्रेनर लिया है, एक्चुअली ये स्ट्रेनर मैंने डीमार्ट से लिया है, बट अगर आपके यहाँ पे डीमार्ट नहीं है तो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ आपको, ये अमेजोन से आप परचेस कर सकते हो। तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, जैसे कि आप इस तरह से रखोगे तो आपकी जगह नहीं लेगा, जैसे कि आपको रखना है तो इस तरह से रख दो, उसके बाद आप इसमें प्लेटिंग वगैरह कर सकते हो। अगर ये इस तरह से आप अगर करते हो तो ये स्ट्रेनर बन जाएगा, इसमें आप सब्जियां वॉश कर सकते हो, कुछ भी, जैसे कि आपने पास्ता वगैरह बनाया तो वो आप इसमें स्ट्रेन कर सकते हो, उसके बाद आपने जीरा राइस के लिए राइस बनाया तो वो आप इसमें स्ट्रेन कर सकते हो, तो काफी सारी चीजें इसमें स्ट्रेन कर सकते हो और बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। तो ये मुझे बहुत यूजफुल लगी किचन में चीज। उसके बाद ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, तो ये है क्रिस्टल का, ये एक्चुअली केक राउंडर है, ऐसे आप रखोगे तो ये केक राउंडर बन जाएगा, आप इसके अंदर केक रख के ढक भी सकते हो। उसके बाद आप इसे ऐसे उल्टा करोगे और इसके बाद आप इसे ढक सकते हो इस तरह से, इसके अंदर आप सैलेड रख सकते हो, इसके अंदर आप पकोड़े वगैरह रखना चाहते हो, समोसे वगैरह रखना चाहते हो वो रख सकते हो, इसके अंदर चटनी रख सकते हो, ये काफी चीजों में काम आएगा आपके। और मुझे ये पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। और मैं आपको बता दूं ये फाइबर का है, क्रिस्टल टाइप में, ये ग्लास का नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि ये जल्दी से टूट जाएगा या कुछ। उसके बाद मैंने इस तरह के कैसरोल दो लिए हैं, जैसे कि सब्जी निकालने के लिए, दाल निकालने के लिए, सब्जी बनाते हो और इसमें निकाल के रखते हो ना, बहुत ही अच्छे दिखेंगे आपके डाइनिंग टेबल पे। तो इस तरह से मैंने दो लिए हैं, ये अंदर से इसके स्टील है और ग्लास का लीड है, इसमें आप सूखी सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी या दाल कुछ भी रख सकते हो इसमें। तो मैंने इस तरह के दो लिए हैं। उसके बाद मैंने ये प्लांटर लिया है, जो बहुत ही क्यूट सा प्लांटर है, आप देखो बहुत ही क्यूट है, हाथी के शेप का ये प्लांटर है, मतलब हाथी का मुंह है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा प्लांटर है। इसमें आप मनी प्लांट वगैरह लगा के रख सकते हो, इसमें आप इंडोर प्लांट्स लगा सकते हो, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। सिरेमिक का है और अफोर्डेबल भी है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। उसके बाद मैंने लिया है एक लाइटर, जो इस तरह से है, आप कैंडल जला सकते हो, ये देखिए, इससे आप दिया जला सकते हो, इससे आप दिवाली के दिए जला सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी जल्दी आपके दिवाली के दिए जल जाएंगे इससे। उसके बाद आप इससे गैस जला सकते हो, बहुत सारी चीजों के काम आएगा ये। और इसके बाद इसमें रिफिल भी मिल जाती है, जैसे ऐसे करो और बस गैस भर दो, तो गैस भरने के लिए भी मिल जाता है ये, आपका जल्दी खत्म हो गया तो आपकी ये काम आ जाएगा। बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है। इसके बाद ये है नाइफ स्टैंड, जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा और बहुत ज्यादा आपको पसंद भी आएगा। ये इसमें नाइफ मिल जाते हैं इस तरह से, इसमें 4 नाइफ मिलते हैं, उसके बाद आपको एक सीजर भी मिल जाती है, जैसे धनिया पत्ता वगैरह काटने के लिए, पालक वगैरह काटने के लिए, तो इस तरह से आपको सीजर भी मिल जाती है इसमें। ये देखिए इस तरह से ये स्टैंड आपको मिलेगा, नाइफ का स्टैंड, और इसमें आपको अगर आप इसमें नाइफ रखते हो ना तो आपके कटने वटने का डर भी नहीं रहता है, और इसमें आप सीजर रख दो। तो इस तरह से ये स्टैंड है और बहुत ज्यादा क्यूट स्टैंड है, आपकी किचन को 4 चांद लगा देगा ये स्टैंड, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद इसकी जो शार्पनेस है नाइफ की, वो भी बहुत ज्यादा है, तो काफी ज्यादा अच्छा स्टैंड है, आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद मैंने लिया है ये आइकिया के मैट्स, जो अगर आप कांच वाच के ग्लास या बोल्स वॉश करते हो तो उसे आप इस पे रख सकते हो, ये टूटने उठने का भी डर नहीं है, उसके बाद जो आपका पानी गिरेगा तो वो भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इसे आप इजीली सुखा सकते हो इस तरह से लटका के। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज लगी मुझे, तो इसी वजह से मैंने ये 2 मंगा ली थी, तो ये आइकिया की है। उसके बाद मैंने ये स्केल ली है, जो आपके किचन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जैसे कि आपको अगर गेहूं वगैरह पिसाने जाना है तो आप इसमें लटका दो और इसका वेट आप चेक कर सकते हो, इसमें ऑन ऑफ बटन दी हुई होते हैं। और तो ये मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल चीज लगी, इसमें आपको बैटरी डालनी होगी यहाँ से, और बैटरी डालने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है आपके किचन में। तो वो मैंने अपने मंजरी के लिए लिया है, और ब्रास की है,
तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, उसके बाद क्यूट सी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे। और मेरे मंदिर के सामने ज्यादा जगह नहीं है, ग्लास का डोर है उसे, तो इसी वजह से इतनी छोटी ही प्लेट मुझे चाहिए थी ताकि ग्लास का डोर बंद हो जाए, तो इसीलिए मैंने ये वाली छोटी सी प्लेट ली है। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, डेफिनेटली ये आप परचेस कर सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद मैंने लिया है ये स्टिकर्स जो आप कंटेनर्स पे लगा सकते हो, और इसलिए आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने उस कंटेनर में क्या रखा है, तो ये इस पे आप चौक वगैरह से लिख सकते हो, तो ये है वो। उसके बाद मैंने लिए है दोबारा से स्केल जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी किचन में ही, अगर आपको कोई चीज मेजर करके डालनी है, जैसे कि बहुत सारी चीज होती है जो मेजर करके ही डालनी होती है, तो आप इसमें उसका मेजरमेंट ले सकते हो और उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके किचन में काम आने वाली चीज है। इसमें ही ये प्लेट आती है जैसे कि बोल टाइप में, इसमें ही आता है ये, और इस पे ये रख दो, भी चीज का आपको वेट करना है वो आप वेट कर सकते हो इसमें डाल के, जैसे आपको मैदा लेना है केक बनाने के लिए, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो आपको कोई भी चीज वेट करके ही खानी पड़ती है, मतलब कम क्वांटिटी में या वेट करके खानी पड़ती है, तो जैसे डाइटिशियन बताते हैं, तो उस टाइम आपके ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। उसके बाद मैंने लिए है ये क्लिप्स जो कि है ये वाले, जैसे कि आप इसको झाड़ू वाड़ू लटका सकते हो या आपके जो पोछा है वो लटका सकते हो, ये स्टिक करने वाले हैं, ये वॉल पे इसका स्टिकर निकाल दो, ये स्टिक कर दो, उसके बाद इसमें पोछा वगैरह आप लटका सकते हो, कुछ भी आप इसमें लटका सकते हो, तो ये डंडे वगैरह लटकाने के लिए ये वाले क्लिप्स लिए हैं मैंने, इसका सेट ही आता है पोर्ट का, तो वो लिया है मैंने ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनाइजर्स है जो पैंटीज या आप अपने हैंकीज या कोई भी चीजें जैसे सॉक्स वगैरह वो आप इसमें ऑर्गेनाइज करके अपने वार्डरोब में रख सकते हो, तो वो ऑर्गेनाइजर्स मैंने ऑर्डर किए थे अपने लिए, चार और चार माही के वार्डरोब के लिए, तो ये मैंने लिए थे और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के रिसीव हुए हैं और बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है ये, तो आप डेफिनेटली इसे भी परचेस कर सकते हो। तो गाइस जो भी चीजें मैंने ली है इस बार वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, आपके घर में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं, डेफिनेटली आपको जो भी चीज पसंद आती है वो आप परचेस कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी जो भी मैंने दिखाई है वो चीज। और मैं जल्दी से आपके लिए किचन मेकओवर वीडियो लाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजिंग वीडियोज आने वाले हैं आपके लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसे क्लिक करना है, उससे क्या होगा कि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिलेंगे और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, और लाइक करना मत भूलेगा, जाते जाते लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए अगर उनको ये सारी चीजें परचेस करनी है। तो चले फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।